अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक और न्यू इंडिकेटर की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जिसका मॉडल नंबर है फेंक का इंडिकेटर है और C1500। ये इसका मॉडल नंबर है। इसके अंदर हम इसकी कैलिब्रेशन वगैरह भी सीखेंगे। उसके अलावा ये विंग के लिए इस्तेमाल होता है। पीक वैल्यू डिटेक्शन भी इसमें ऑप्शन है। डिस्प्ले होल्डिंग अपर लोअर लिमिट यानी सेट पॉइंट इसमें हम बना सकते हैं। एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं यानी 4 to 20 mA वगैरह की आउटपुट हम ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में, तो हमारे साथ रहिएगा। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ये बॉक्स है। इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं। बॉक्स हमने खोल लिया है। बॉक्स के अंदर से सिर्फ ये इंडिकेटर निकला है। इंडिकेटर के ऊपर आप ये देख सकते हैं लिखा हुआ है फेंक D1500। ये इसका मॉडल नंबर है। उसके अलावा इसमें ऊपर आप ये देख सकते हैं, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। पावर सप्लाई यानी कितने वोल्ट की DC 24 वोल्ट जो है इसमें पावर सप्लाई इस्तेमाल होगी। यहाँ पर हम इसके DC पावर सप्लाई लगाएंगे। ये इसकी यानी लोड सेल के कनेक्शन है, एक्सीटेशन पॉजिटिव वगैरह। उसके अलावा यहाँ पर हम एनालॉग आउटपुट ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हम सेट पॉइंट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले DC सप्लाई 24 वोल्ट की इसमें सप्लाई लगेगी। तो सप्लाई के लिए आमतौर पर क्योंकि पैनल वगैरह में लगते हैं, तो इसके साथ चार्जर वगैरह नहीं आता। इस टाइम मैं यहाँ पर पावर सप्लाई लगा लेता हूँ। पावर सप्लाई में आप ये देख सकते हैं इस टाइम 24 वोल्ट पर ही सेट है, लेकिन एक दफ़ा हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं कि कितने वोल्ट इसमें आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 24 वोल्ट इसमें इस टाइम आ रहे हैं, ठीक है ना। 24.3 वोल्ट जो है इसमें आ रहे हैं। अगर हमने थोड़ा बहुत सेट एडजस्टमेंट करनी है तो यहाँ से हम थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये 24 वोल्ट हमारे पास इस टाइम आ गए हैं। अब हम इसको सबसे पहले ऑफ़ कर देंगे पावर सप्लाई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये DC पॉजिटिव है। यहाँ प्लस तार हम लगा देंगे और यहाँ पर हम इसकी नेगेटिव तार लगा देंगे, ठीक है। इस टाइम इसके पावर सप्लाई हमने दे दी है। उसके अलावा अब हम इसमें एक कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन के लिए हमारे पास ये सारे हमारे पास कनेक्टर हैं। तो इसमें हमारे पास ये रेड तार एक्साइटेशन पॉजिटिव की है, ब्लैक एक्साइटेशन नेगेटिव, ग्रीन सिग्नल पॉजिटिव और वाइट सिग्नल नेगेटिव की। उस हिसाब से हम यहाँ पर इसके कनेक्शन कर देते हैं। जी फ्रेंड, आप ये देख सकते हैं इसके कनेक्शन हमने कर दिए इस टाइम। अब इसे इंडिकेटर को हम ऑन करते हैं। इसमें जैसे ही हम पावर सप्लाई इसकी ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 24 वोल्ट हैं और ये इस टाइम ऑन हो गया है और ये इस टाइम सेंस भी कर रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये इस टाइम सेंस कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। ये आप देख सकते हैं कि ये सेंस कर रहा है इस टाइम। तो सबसे पहले हम इसकी ये ज़ीरो इसका आउट है, तो सबसे पहले हम इसकी कैलिब्रेशन वगैरह कर देते हैं। तो कैलिब्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी मेन्यू में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका हम कैपेसिटी वगैरह कहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये F1 जो है यहाँ पर चले जाएंगे। स्केल सेटिंग जो हमने करनी है वो हम स्केल के अंदर चले जाएंगे। ये इसका UT यूनिट है। यूनिट इसका 1 जो है वो KG के लिए है। हम ये इसके डॉट आ गए यानी पॉइंट कितने इशारे के बाद कितने पॉइंट होने चाहिए, ये हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इस टाइम हमने 100 ग्राम में इसको चलाते हैं, तो हमने फिर एंटर कर देते हैं। ये डॉट है, आगे जाएंगे इसकी, ये जो है इसकी फुल कैपेसिटी है। ये फुल कैपेसिटी भी अगर हमने चेंज करनी है तो यहाँ पर हम 30 kg कर देते हैं फुल कैपेसिटी, तो हम एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर सारी आगे ये फ़िल्टर वगैरह की सारी सेटिंग है, डिवीजन फ़िल्टर ये सब कुछ इसमें आगे सेटिंग है। तो हम बिल्कुल दोबारा मेन मेन्यू में आ जाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 30 kg के ऊपर इस टाइम सेट हो चुका है। तो अब हम इसकी सबसे पहले कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन करने के लिए हमने ये F2 में जाएंगे, कॉल आ जाएगा। कॉल में हमने एंटर कर देंगे, सबसे पहले ज़ीरो कैलिब्रेशन करेंगे। ज़ीरो कैलिब्रेशन में हम एंटर हो जाएंगे, ये सेंस करेगा प्लेटफॉर्म उस टाइम। ये आप देख सकते हैं इस टाइम ये ज़ीरो होना चाहिए, प्लेटफॉर्म वगैरह कहीं पर टच नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा,
हमने एंटर के बटन को प्रेस करेंगे, ये जीरो कैलिब्रेशन इसकी हो जाएगी। अब हम इसकी लोड कैलिब्रेशन करेंगे, लोड के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पर हम दोबारा एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर जितने केजी से हमने इसकी कैलिब्रेशन करनी है वो हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देना है। फर्स्ट करेंगे ये 5 KG से हमने कैलिब्रेशन की है, यहाँ पर हम चेंज करते हुए वैल्यू को ये ज़ीरो कर देते हैं। फिर राइट साइड पर आते हैं और यहाँ पर हम 5 लिख देते हैं, उसके बाद हम एंटर करेंगे, ये वैल्यू को सेंस करेगा और हमने एंटर कर देंगे। इसकी लोड कैलिब्रेशन भी हो गई है। अब ये दोबारा मेन पे आएंगे, जी फ्रेंड इसकी कैलिब्रेशन हो गई है। अब हम बात करेंगे इसकी 4 to 20 mA की, उसके अलावा इसके सेट पॉइंट वगैरह इन सब की हम बात करेंगे। लेकिन मैं उन लोगों को ये कहता चलूँ जो अभी तक हमारे चैनल में न्यू है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन के ऊपर फौरन क्लिक करें, साथ साथ बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए वाले नोटिफिकेशन के ऊपर भी क्लिक करें। उससे यह होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाएगा। तो चलें दोस्तों, अब जो है अब हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सेट पॉइंट के लिए, सेट पॉइंट के लिए सबसे पहले हम मीन्यू में जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पर सेट के ऊपर एंटर हो जाएंगे, स्केल आ जाएगा, स्केल में हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर चेंज करते हुए सेट पी के ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पर हम एंटर हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं लो लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी लो की सेटिंग है। इस टाइम हम लो की सेटिंग जो है वो हम 3 KG रख देते हैं, 3 कर देते हैं, एंटर हो जाते हैं। उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे तो ये हाई की सेटिंग आ गई, 201 जो है इसकी हाई की सेटिंग है। यहाँ पर हम एंटर हो जाते हैं, ये 201 जो है हाई इसकी 6 KG लिख देते हैं हम, ये मैंने इस टाइम ये 6 KG हाई वैल्यू इसकी 6 KG रख दी है और लो वैल्यू जो है वो 3 KG लिख दी है। अब मैं एंटर कर देता हूँ मीनू के बटन पर, हम मेन के ऊपर आ जाते हैं। अब ये देख सकते हैं आप, जब मैं इसके ऊपर वेट डालूँगा, ये जो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके वेट बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे ही ये 4 के ऊपर पहुँचेगा, जैसे ही ये 3 के ऊपर सेटिंग हमने की थी, तो जैसे ही ये 3 के ऊपर ये वैल्यू पहुँचेगी तो ये लो का इसका ये स्विच ऑन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये 6 के ऊपर पहुँचेगी, ये देख रहे हैं आप, जैसे ही 6 के ऊपर पहुँची तो इसका हाई का स्विच जो है वो भी ऑन हो गया। तो अब मैं इसको आपको मीटर के ऊपर चेक करवा देता हूँ। मीटर के ऊपर हम ये चेक कर लेते हैं, सेम यही चीज़ सबसे पहले हम इसको ऑफ़ कर लेते हैं। तो ये मीटर का कनेक्शन जो है इस टाइम मैं एक को कॉमन कर लेता हूँ, एक को मैंने ये कॉमन कर दी है। उसके बाद मैं जब इसको ऑन करूँगा तो सबसे पहले लो लिमिट की मैं आप जो चेक करवा देता हूँ, एक अमूमन तौर पे ये शार्ट होती है, आप ये देख सकते हैं एक टर्मिनल इसका शार्ट है, लेकिन जैसे ही ये 3 के ऊपर पहुँचेगा तो ये शार्ट टर्मिनल जो है ये ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये शार्ट इस टाइम ख़त्म हो गया, ठीक है। इस टाइम जैसे ही ये 3 से नीचे आएगा, 3 KG से ये क्या कहते हैं 3 KG तक है, तो ये बीप इसकी बंद हो गई है, और जैसे ही 3 KG से नीचे आएगा ये बीप बजना शुरू हो गई है। इसी तरीके से इसका अगर दूसरा टर्मिनल मैं आपको देखूँ तो ये इस टाइम नॉर्मली ओपन है। तो जैसे ही मैं इसको 3 KG तक लेकर आऊँगा ये दोबारा शार्ट हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये शार्ट हो गया इस टाइम, ये जैसे ही 3 KG है नीचे आया ये ओपन हो गया और ये इस टाइम शार्ट हो गया। तो ये इसका लो लिमिट की सेटिंग है। इसी तरीके से अगर आपने हाई की सेटिंग करनी है तो हाई के ऊपर भी आप सेम इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ये इसका हाई का टर्मिनल है। यह मैं हाई के ऊपर चेक करवा देता हूँ आपको, ये इस टाइम नॉर्मली शार्ट है। तो जैसे ही ये 6 KG तक ये वैल्यू इसकी जाएगी, ये जैसे ही 6 KG से ऊपर वैल्यू गई ये ओपन हो गया, और जैसे ही 6 KG से नीचे वैल्यू आई तो ये शार्ट हो गया। इसी तरीके से आप इसका दूसरा टर्मिनल हम देख लेते हैं, ये नॉर्मली ओपन है, जैसे ही 6 KG तक इसकी वैल्यू जाएगी तो ये शार्ट हो जाएगा। ये देखें आप देख सकते हैं कि जैसे ही 6 KG से नीचे आती है वैल्यू ये ओपन हो जाता है, और जैसे ही 6 KG से ऊपर वैल्यू जाती है ये शार्ट हो जाता है। तो इसके अलावा इसमें एक और ऑप्शन भी है, सबसे पहले ये मैं निकाल लेता हूँ इसके अंदर से। जी फ्रेंड आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम जो ये सेटिंग है एक
3 के ऊपर ये सेट पॉइंट ऑन होता है, उसके अलावा एक 6 के ऊपर जाके ये सेट पॉइंट, दूसरा सेट पॉइंट ऑन होता है। अब अगर हम चाहते हैं कि ये 0 से ही सेट पॉइंट ऑन रहे और 3 के ऊपर जाके सेट पॉइंट ऑफ हो जाए, उसके बाद 6 के ऊपर जाके ये सेट पॉइंट दोबारा ऑन हो जाए, तो ये सेटिंग करने के लिए हमने क्या करना है, मीनिंग में जाना है, उसके बाद एंटर हो जाना है। यहाँ से चेंज करते हुए हमने सेट पी के ऊपर आ जाना है, इसमें एंटर हो जाना है, और यहाँ पर हमने 212 के ऊपर आकर हमने एंटर हो जाना है। ये इस टाइम एच एच है, और इसको अगर हम एच एल कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हम दोबारा बैक चले जाते हैं। अब एक सेट पॉइंट जो है लो का, ये इस टाइम ऑन ही है, तो ये ऑफ हो गया। लो का इस टाइम पॉइंट 0 के ऊपर ऑन है, तो जैसे ही 0 से वैल्यू चेंज होती है तो ये ऑन हो जाएगा, 4 के ऊपर जाएगा, 6 के ऊपर जाएगा, तो ये दूसरा पॉइंट भी ऑन हो जाएगा। यानी पहला पॉइंट इसका 0 के ऊपर ऑन है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, 0 करने के लिए आपने इसको बटन को दबा के रखना है, ये 0 आ जाएगा, हमने एंटर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो पहला जो सेट पॉइंट है 0 के ऊपर ऑन है, उसके अलावा दूसरा जो सेट पॉइंट है वो 6 के ऊपर, ये ऑफ हो गया, 3 के ऊपर जाके ये ऑफ हो गया, और 6 के ऊपर जाके ये दोबारा ऑन हो जाएगा। इसमें अब 3 फंक्शन आ गए, यानी पहले ये ऑन है, 3 के ऊपर जाकर ये ऑफ हुआ, और 6 के ऊपर जाके ये दोबारा हाई वाला ये ऑन हो गया। जी फ्रेंड, इसके ऊपर ये सेटिंग भी आपने देख ली है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं इसकी एनालॉग आउटपुट, यानी 4 to 20 mA के लिए। 4 to 20 mA जो है, आप ये एनालॉग आउटपुट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी एनालॉग जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं। 4 to 20 mA के कनेक्शन तो आपने देख लिए हैं। अब हम सेटिंग इसकी देख लेते हैं। हम सेटिंग के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद हम चेंज करें फैट पी के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पर हमने एनालॉग आउटपुट के ऊपर हम एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर हमने अगर प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है, उसके अलावा नेट वेट, या अगर हम चाहते हैं कि ये आप नेट वेट जैसे आ गया, यानी हम चाहते हैं कि जो आउटपुट हमें 20 mA मिले वो नेट वेट के ऊपर यानी मिले, तो ये सारी सेटिंग इसके ऊपर हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो 0 जो वैल्यू है वो हमें शुरू में मिलेगी, 0 mA हमें शुरू में मिलेंगे, और फुल कैपेसिटी के ऊपर जाकर हमें 20 mA मिलेंगे। ये हम डिस्प्ले के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। उसके अलावा इसकी हम एडजस्टमेंट जो है, ये 4 की है, ये हम 4 और 20 mA अगर हमें थोड़ा बहुत आगे पीछे मिल रहे हैं फुल कैपेसिटी से, तो यहाँ से हम 4 की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा 208 के ऊपर जाके हम 20 mA की हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जो 209 है, इसके ऊपर हम अपनी मर्ज़ी से हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि फ़र्ज़ करें इसका जो फुल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी इसकी 30 kg थी, तो हम चाहते हैं कि 20 kg के ऊपर ही हमें इसकी 20 mA मिले, तो वो यहाँ पर हम कैपेसिटी अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, तो उससे भी हमें 20 mA क्या कहते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही 20 mA मिल सकते हैं। जी फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार इस वीडियो को लाइक करके दीजिएगा, और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा अगर आप लोगों को विंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमारे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को विंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू हैं और विंग स्केल की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल की प्रोडक्ट सबसे बेस्ट प्राइस में परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप लोग विंग स्केल का बिजनेस करते हैं और विंग स्केल की कैलिब्रेशन और उनकी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, या अगर आप विंग स्केल इम्पोर्टर या मैन्युफैक्चरर हो और विंग स्केल की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन के ऊपर फौरन क्लिक करें, ताकि विंग स्केल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके आपको सबसे पहले। उसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम लोग जो आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं हमें भी पता लगे कि आप लोगों को उससे फायदा भी हो रहा है या नहीं।